जरदारी बिलावल के दरमियान कब कब इख्तलाफात हुए, नदीम अफजल चंद ने सब बता दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के दरमियान कोई बड़े इख्तलाफात नहीं हैं, ताहम पार्टी फैसले मुशावरत से होते हैं। एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन अपने वक्त पर यानी आयनी मुद्दत के अंदर होने चाहिए, ये बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा है। उन्होंने काशिफ अब्बासी की जानिब से पूछे गए सवाल कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के दरमियान इख्तलाफात में कितनी हकीकत है और क्या दोनों के दरमियान दूरियाँ पैदा हो चुकी हैं, तो नदीम अफजल चंद ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं लेकिन सब पार्टी पॉलिसी के पाबंद हैं। नदीम अफजल चंद का कहना था कि संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाते वक्त इख्तलाफ हुआ, 18वीं तरमीम के मामले पर बिलावल और जरदारी के दरमियान इख्तलाफ हुआ, जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देते वक्त इख्तलाफ हुआ, लेकिन तमाम फैसले फिर पार्टी पॉलिसी के तहत लिए गए। सीनियर सहाफी काशिफ अब्बासी ने पूछा कि क्या सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाना जरदारी का फैसला था और बिलावल ने इससे इख्तलाफ किया था, तो उनका कहना था कि पार्टी पॉलिसी के तहत ये फैसला किया गया।